बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लाइगेसिस को। लाइगेसिस का बेसिकली एंजाइम का वर्क क्या होता है, कोई भी दो सबस्ट्रेट को जोड़ना और एक कंपाउंड बनाना, उसको बोलते हैं लाइगेसिस फंक्शन। तो लाइगेस का, जैसे आप सिंपल बायोलॉजी में लाइगेस का मतलब कोई चीज को जोड़ना, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो चीजें मिलके, दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं कम्बिनेशन। तो वही हम बोलते हैं लाइगेशन। तो ये जो एंजाइम्स हैं जो दो कॉम्प्लेक्सेस को जोड़ के एक सिंगल कंपाउंड बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइगेशन। उसको एंजाइम को क्या बोलते हैं, लाइगेसिस। तो लाइगेसिस एंजाइम्स कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी मेड ड्यू टू द साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड। तो इसका मतलब है ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी निकलती है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो वापस एनर्जी को दो कॉम्प्लेक्स को जोड़ने में, उसको एक कंपाउंड बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होती है ये कैटालाइजिंग करती है सीओ बॉन्ड में, सी एस बॉन्ड, सी एन बॉन्ड, सी सी बॉन्ड। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आ जाती है वो आपके पास आ जाती है, जैसे एसिटाइल सीओ को सिंथेटेस, ठीक है, और ग्लूटामिन सिंथेसिस, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस। जैसे आपके पास एटीपी प्लस एसिटेट प्लस सीओए है ना, अब इसमें क्या हो रहा है, जो एटीपी का जो फॉस्फेट है वो यूज हो रहा है, तो वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरोफॉस्फेट प्लस एसिटाइल कोए में। जैसे नीचे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए प्लस बी प्लस एटीपी, तो एटीपी का जो एनर्जी है वो ए और बी को जोड़ने में क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। तो ए प्लस बी मिलके ए बी बन गया, इसका मतलब दो एलिमेंट को एक कंपाउंड में फॉर्मेशन में करने में जो एनर्जी लगती है वो एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइगेशन। जो एंजाइम आती है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, लाइगेसिस। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेसिस। ट्रांसलोकेसिस का मतलब होता है इट कैटलाइजेस द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है ट्रांसलोकेसिस, क्या करता है, जो मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन के मूवमेंट में क्या करता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या करता है, ये मदद करता है। तो ट्रांसलोकेसिस ये आपके पास कॉमन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ट्रांसलोकेसिस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन कैन वर्क इन कंजक्शन विद द ट्रांसलोकेसिस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ट्रांसलोकेसिस का मतलब है जो मूवमेंट ऑफ आयंस में क्या करते हैं, मदद करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो विद दिस वी कम टू एन एंड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। थैंक यू।